ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद इंडिकेटर में चलना है, इंडिकेटर में चल के सर्च करना है आपको इंडिकेटर लीनियर रिग्रेशन कैंडल। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको शो हो जाएगा, हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम दूसरा इसमें इंडिकेटर यूज़ करेंगे। तो गाइस क्या है ये कैंडल शो करेगा, जो कैंडल बहुत ही स्मूथ होती है, मतलब चार्ट के जो कैंडल है उसको स्मूथ कैंडल में ही कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कैंडल हो गई है। तो जो निफ्टी बैंक की जो रियल कैंडल है, मैं उसको यहाँ से हाइड करूंगा और देखिए इसकी कैंडल कितनी स्मूथ है, मतलब साफ पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ये कैंडल, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो आप देख सकते हैं ये रियल चार्ट है जो इस चार्ट को स्मूथ कर रहा है, जो हमने इंडिकेटर लगाया है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और रियल चार्ट को हाइड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट कितना स्मूथ हो गया है। तो हम स्मूथ चार्ट को इसको यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इनपुट में चलना है। इनपुट में चलने के बाद आपको क्या करना है, जो सिग्नल स्मूथिंग है उसको हम 7 कर लेंगे। स्टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद जो इसकी प्लॉट है, प्लॉट लाइन जो है, इसका हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाइट है, सोनी हो रहा है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लेंगे। ओके, अब हमारा जो इस इंडिकेटर की सेटिंग है वो हो गई है। गाइस इसमें क्या है, जो इसका मूविंग एवरेज, जिसकी स्मूथ लाइन है, इसका क्या है, अगर मार्केट इसके नीचे चल रहा है तो ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में जाने का कोशिश कर रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है। अब हमें दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर से इंडिकेटर में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूटी बोट। जैसे हम यूटी बोट टाइप करेंगे, जो थर्ड इंडिकेटर आपको शो हो रहा है, जिसको मैंने अभी यहाँ पे स्टार किया है, यूटी बोट अलर्ट्स, इसको हम यूज़ करेंगे। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें यूटी बोट अलर्ट की सेटिंग में चलना है। सेटिंग में चलने के बाद इनपुट में चलेंगे। इनपुट में चलने के बाद जो इसका ATR पीरियड है उसको हम यहाँ पे 1 कर देंगे। और जिसका की वैल्यू है, की वैल्यू को हम 2 के साथ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेटिंग है वो हो गई है। इतनी सेटिंग होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें देखेंगे कैसे हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल का बता देता हूँ, कॉल में आपको किस तरह से ट्रेड करनी है वो देख लेते हैं। जब भी बाय का सिग्नल दे, यूटी बोट अलर्ट का बाय का सिग्नल होगा और कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, तब हम इसमें कॉल में एंट्री कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 9:20 की जो कैंडल है उस पर बाय का सिग्नल मिला है, लेकिन कैंडल रेड कलर की और इसके नीचे है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। जैसे इसके ऊपर कैंडल बनती है तो हम एंट्री कर जाएंगे। ये कैंडल होगी हमारी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं मार्केट, देखिए गाइस 100 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, इसके सिग्नल देने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यानी कि हमें 100 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिले हैं। जब भी इस लाइन के जो लीनियर रिग्रेशन जो हमने चैनल जो लगाया है कैंडल, जिसमें का जो मूविंग एवरेज है, अगर मार्केट इसके नीचे है, कैंडल इसके नीचे है तो हम पुट में एंट्री लेंगे, कैंडल इसके ऊपर है तो हम कॉल में एंट्री लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं तो बाय का और सेल का सिग्नल होना बहुत जरूरी है यूटी बोट अलर्ट का। जैसे कि आप देख सकते हैं बाय का सिग्नल है, मार्क कैंडल इसके ऊपर गया तो हमने इसमें कॉल में एंट्री ली। इसी तरह अगर हम पुट में एंट्री लेंगे तो हम क्या करेंगे, कैंडल इसके नीचे होनी चाहिए इस मूविंग एवरेज के, सेल का सिग्नल होना चाहिए, सेल का सिग्नल है, कैंडल इसके नीचे है और हमने एंट्री ली, तो हमारा जो ये एंट्री पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद आप देखिए 240 पॉइंट मार्केट डाउन। गाइस अगर हम इसमें 100 पॉइंट भी मिलते हैं तो आपको पता है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट भी बहुत अच्छी ट्रेड होती है, 100 पॉइंट की भी अगर आप 100 पॉइंट भी अचीव कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों इंडिकेटर को लगा के आपको ट्रेड करनी है। अब यहाँ देख सकते हैं बाय का सिग्नल है, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है, तो हम यहाँ पे कर जाएंगे एंट्री, ये हमने एंट्री कर ली और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें मिले हैं 40 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले हैं, ज़्यादा पॉइंट तो नहीं मिले, 40 पॉइंट यहाँ पे हमें मिले हैं। उसके बाद सेल का सिग्नल दिया, मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे कैंडल है, मूविंग एवरेज के नीचे है, सेल का सिग्नल है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ये स्टॉप लॉस है। उसके बाद आप देख सकते हैं 100 पॉइंट नीचे। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपको एंट्री देगा सारे सिग्नल्स, कहीं कहीं हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 30-40 पॉइंट ही आपको मिले हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे आपके। तो आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है, पहले इसको बैक टेस्ट कर लेना है, पहले इसको 10 दिन तक कम से कम बैक टेस्ट करना है, उसी के बाद आप इसको रियल ट्रेड में यूज़ करें। खुद से बैक टेस्ट जरूर करें, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के आप डायरेक्ट इस पर ट्रेड करेंगे, नहीं, आप एक बार खुद से बैक टेस्ट जरूर कर लें। यहाँ देखिए बाय का सिग्नल मिला है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल गई है, तो हमने यहाँ से एंट्री किया,
देख सकते हैं यहाँ 190 पॉइंट। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे निकलना है कहाँ पे नहीं। कैंडल को बहुत स्मूथ कर देता है ये वाला इंडिकेटर, कहीं होता है ना कहीं रेड कैंडल ग्रीन कैंडल इस तरह से बनती है, तो उसको एक स्मूथ कैंडल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम होल्ड भी कर सकते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं 1 बाई 1 यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रियल चार्ट की बात करूँ देखिए, अगर हम रियल चार्ट की बात करें तो इस तरह से यहाँ पे कैंडल बन रही है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, आप तो को दिखा देता हूँ। देखिए रियल चार्ट किस तरह से, यहाँ पे दो बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट साइड में गया, फिर से एक बड़ी कैंडल बनी और मार्केट यहाँ ऊपर। और लेकिन इसने क्या क्या है, इस इंडिकेटर ने, आप देखेंगे इस इंडिकेटर ने क्या किया, इसको स्मूथ कर दिया एकदम से। और देखिए 1 बाई 1 कैंडल एक दूसरे क्रॉस करके ऊपर गई है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको होल्डिंग में भी, और आपको अच्छी ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ट्रेंड को पहचानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर को लगा के ट्रेड कर सकते हैं और एक मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइस दोनों इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया, यूटीबोट अलर्ट और लीनियर रिग्रेशन कैंडल, ये दोनों इंडिकेटर आप बताए हैं, और सेटिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ एक बार इसे खुद से बैक टेस्ट करें, देन उसी के बाद आप इसको रियल ट्रेड में यूज़ करें। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।